क्या था? अरे बाप रे, सैवेज बेस प्लेगॉड, रूम के बाहर, देखो रूम के बाहर जाके मार के आए प्लेगॉड। मिल गया, क्या बात है, ऑफिशियली इट्स अ टाई विद द रिकॉर्ड 13 फिनिशेस। हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर लेगस। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, गॉड लाइक क्यों नहीं खेल रहा है, सोल क्यों नहीं खेल रहा है, एंटिटी क्यों नहीं खेल रहा है। गाइस, जिनको भी नहीं पता, बीजीएस द ग्राइंड में सोल गॉड लाइक टॉप 16 में है, तो ये दोनों टीम्स आपको राउंड 4 में देखने को मिलेगा बीजीएस में, एंड एंटिटी 17th पोजीशन पे है, तो आपको राउंड 3 में देखने को मिलेगा। जिनको भी नहीं पता स्ट्रक्चर क्या है बीजीएस द ग्राइंड का, जो भी टॉप 16 में है वो सीधा इन्वाइटेड है राउंड 4 के लिए, एंड जो 17 और 32 के बीच में है वो सीधा राउंड 3 के लिए इनवाइटेड है, एंड दैट इज व्हाई वो टीम्स अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आई होप दिस क्लियर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। एंड आल्सो कल का वीडियो का मोस्ट लाइक्ड कमेंट था 1v1 विद जेली, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी डीएम कर दिया जेली को 1v1 के लिए। तो क्या लगता है क्या स्कोर रहेगा जेली वर्सेस स्पाइक का, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। टॉकिंग अबाउट टुडे, आज है बीजीएस 2024 राउंड 2 का डे 3। आज ग्रुप 3 खेलने वाला है 6 मैचेस। इन दिस ग्रुप We have Team Xpark, Neonix and बाकी सब underdog teams। भाई कल का दिन देख के तो भाई इतना pumped हूँ मैं। WSB बहुत danger record set कर दिया 113 points करके 6 matches में, and ऊपर से उनके frag 75 के ऊपर है। क्या Team Xpark आज वो record को break कर पाएगा? देखना पड़ेगा, जो भी होगा बहुत मजा आएगा। अपना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा उसको फटाफट कर देना ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए, और सब्सक्राइब भी कर दो यार, वेरी क्लोज टू 1 million सब्सक्राइबर्स, खुद मीन लोड अगर आप सब्सक्राइब कर दे तो। Make it happen guys, it's free, and with that being said, now let's get started। एक बार सर्कल देखो भाई, पूरा कंट्रोल है टीम एक्सपार्क के पास, एंड दे आर ऑन द बेटर एज ऑफ द सर्कल। तो भाई ये मैच 100% टीम एक्सपार्क निकालने वाला है, विनर विनर चिकन डिनर। अगर नहीं निकाला तो बाद में बात करेंगे, ठीक है? बट बहुत खतरनाक सर्कल है उनका। इतने सारे फिनिशेस के ऊपर किसी भी टीम के लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसके ऊपर छेड़ रहे लोग, बारी आती है गाड़ियों के रन ओवर का, और उसी के साथ आईसी मुश्किल ओएचवी बाहर, ग्लैडिएटर्स को आईसी बाहर डाउन किया गया। गुड जॉब ग्लैडिएटर्स, बढ़िया समय पे कवर फायर आया, और इसी के दल के अंदर जाना चाहते हैं टीम एक्सपर्ट सारंग एंड निजॉर्ड पे। एटलीस्ट एक टीम का स्लैम आएगा, वो भी बहुत ज्यादा करीब पर आए, पर इसके बीच में डियोक क्लू का एक बंदा पीटी बन गया, लायबिलिटी सर्वाइविंग गया, लायबिलिटी भी गया, स्लैम कर सकते थे पर उन्होंने देखा इस प्लेयर को। समझ में आया मुझे क्यों ऐसा स्प्लिट के लिए, कुछ अलग नहीं है वही टीम एक्सपर्ट। सारंग क्या कर रहा है सारंग ब्रो, जोन के अंदर जाओ। पहले भी प्ले जोन का शिकार हुए थे, वहां उनका एलिमिनेशन हुआ था, और बाकी जो खिलाड़ी बचे हुए थे वो भी प्ले जोन का शिकार हो गए, और वैम्पायर मुश्किलात। अरे बाप रे, नाइस वन क्रिमिनल, यहां पर नॉक किया जाएगा जॉर्ड, वो शायद आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से, दे दिया क्रिमिनल और एक को समाप्त किया, पर लास्ट मंदा किसने मारा रहे थे, चलती गाड़ी से उन्हें गिराया जाएगा। लास्ट मंदा को किसने मारा? वैम्पायर स्प्रे गॉड ने मारा, वाओ क्रिमिनल को बचा लिया स्प्रे गॉड ने, बट क्रिमिनल गुड जॉब ब्रो। भाई मैं पहली बार ये वीपीओ को देख रहा हूं, मेरे को पट गई थी भाई, वैम्पायर स्पोर्ट्स कब आया इंडिया का मैं बोल के, बट दिस इज नॉट वैम्पायर स्पोर्ट्स, कुछ तो है इनका वीपी का फुल फॉर्म। थ्रो कर सकते हैं पर मुझे लगता है शैडो उन्होंने कॉल दिया कि जी नहीं आप मुझे मत बचाइए, आप पहले सर्कल के अंदर जाइए, और यहां से वो चिकन डिनर ज्यादा जमा ले भाई। क्रिमिनल वो भी समाप्त कर दिए गए, 11 फिनिशेस पर टीम एक्सपर्ट 12 की एचपी कम, पर मुझे लगता है कि रिवाइवल का सारंग एंडिंग जो जॉर्ड, ये दोनों कर क्या ही डिफेंड किए भाई, क्या ही डिफेंड किए, रिस्क लिया गया रिवॉर्ड में, क्या वो शैडो भी रेव होने वाला है क्या? नियोनिक्स के दो बंदे हैं, बचा पाएंगे वो भी देखना बाकी। क्या गेटिंग गाड़ी का उन्होंने स्विच किया, पर वो जब स्विच करते तब तक अंदर वाला भी एक इसके अंदर वाला भी क्या दोनों रेव हो जाएंगे, स्प्रे गॉड वो खुद यहां पर डाउन कर दिए गए। रेनॉल्ड भाई अगर सोया पड़ा है, अगर एंगल मिल गया ना 3 किल मिलेंगे उधर से, शानदार रेस्क्यू मिशन। क्या रेनॉल्ड भाई आपको एंगल है? उन्हें भी बचा लिया गया, और साथ ही साथ आई थिंक है उसको फिनिशेस से वो भी अपनी टीम। रेनॉल्ड भाई इज लाइक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अरे है दिया उसने, बट यहां पर रेनॉल्ड दिया उसने क्लियरली स्पॉट किया भाई। इमेजिन अगर वो नॉक करता जो बंदा रेव दे रहा है दोनों को, वो देते हैं तो फायदा मिलेगा, बट निंजा जॉर्ड, नाइस नेट फ्रॉम निंजा जॉर्ड, नेट पे नेट यहां पे मार दिया, जरूरत नहीं थी, पर खिलाड़ी ने उसके वो प्लेयर थे का बंदा मारा, उन्होंने वो फ्रैग निकाला। इट्स अ प्रॉपर 1v4 सिचुएशन फॉर 4v1 के सिचुएशन है जीएलडी, तो ज्यादा आरसीडीएस के चिकन उनके खाते में आ रहा है, जोन बार-बार उनको फेवर करता नजर आया, बट अभी भी वाओ नाइस वन रे, ही इज ट्राइंग नाइस वन, बट निंजा जॉर्ड ने ट्रेड ले लिया है विद दैट, अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विनर विनर चिकन डिनर, और वो टीम एक्सपर्ट 15 फिनिशेस विनर विनर चिकन डिनर। भाई क्या ही शुरुआत पर टीम एक्सपर्ट मचा दिए भाई विदाउट अ सिंगल कैजुअल्टी। चलो अब बढ़ते हैं अपना मैच 2 की तरफ।
उनके अंदर कौन इंतजार कर रहा है। टीम एक्सबॉक्स के प्लेयर्स एक बहुत बड़ा स्प्लिट, डर नाम की चीज ही नहीं है। एक प्लेयर गवाने के बावजूद एक बड़े स्प्लिट के साथ मीरामार में अपनी गन गेम पे भरोसा दिखाते हुए सारंग ये प्लेयर बैक टू बैक नॉक्स निकालते हुए वीपी जोन के बाहर। एस्पिरोन वीपी का मारी जा रहा है, बहुत जरूरी किया है खिलाड़ियों के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत उनके लिए, एक एक करके डाउन हो रहे हैं भाई। एमवाईटी वाले बहुत मार खाएंगे। व्हीकल का भी ब्लास्ट आता है, रिच बाहर पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुकी है। टीम एक्सपार्क छह और पांच 17 मतलब हम चर्चा भाई आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट अपना जो रिकॉर्ड है जो सेट किया गया है बाय बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स, एक नेट गया जरूर, 25 फिनिशेस, वो रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। लेट्स मेक इट हैपन टीम एक्सपार्क, लेट्स मेक इट। ओ नाइस वन सर, सारंग बोल रहा हूं मैं, स्प्रे गॉड। हर बार मेरा सारंग क्यों निकलता है मेरे को, स्प्रे गॉड को देख के कंपोजर इज एवरीथिंग इन दिस सिचुएशन। निकाल चुकी है, उधर शैडो दे रहा है, खतरे को बढ़ाया और 18 किया उस चीज को। स्प्रे गॉड भी देगा, फ्लैग्स उनके पास, हर खिलाड़ी चार पे भारी। चल सारंग चल, मंथन के साथ वो आगे बढ़ते हुए आए। भाई ये ताकू तो जानवर है भाई, भाई किल लेके गया बे रूलर, किल लेके गया। चलो बैकअप आया स्प्रे गॉड को उठाने के लिए, वो किल भी मिल जाता। 19 फिनिशेस फॉर टीम एक्सपर्ट, हर प्लेयर के पास 6 से ज्यादा फ्लैग्स। और यहाँ पे मुश्किलें सारंग भी बढ़ाते हुए अपने ओपोजिशन की, दोबारा से वहाँ पे नेट के साथ एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश। सारंग चेल ऑन पॉइंट गया, रुद्रा जोड़ गया, काम करेगा। कितने किल हो गया, रुद्रा जोड़ का 19 जरूर मिलेगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारंग भाई पोजीशन देखो भाई, क्लॉ वाला के सारे किल्स उठाने वाले टीम एक्सपर्ट, क्लॉ के सारे उठाने वाले नजर आएंगे। तो ये तीन मिल गया तो 22। अरे भाई साहब स्प्रे गॉड, 9 फिनिशर्स, 21 फॉर टीम एक्सपर्ट। ऐसा लग रहा है कि समझ रहे हो क्या है ये टीम, क्लासिक में एकदम तगड़ा वाला लॉबी आता है ना, वैसा वाला फील हो रहा है। बहुत सही रे, बहुत सही हो गया गाइस, हो गया लॉबी खत्म, लॉबी खत्म। रुकने का दो बंदे बचे, दूसरे का टेल क्या रहा है, फिर दोबारा से हिट मार, मीरामार में ये मीरामार में मार रहे ऐसा, क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे अकेले बचे हुए खिलाड़ी। ऐसी का आखिरी बंदा है सुख नूब, बट हल्ला बोला जा रहा है आप देखिए सामने, उसके मारेंगे इसको, उसके मारेंगे। प्रयास जरूरी है, शॉट लिया जरूरी क्या, बट फर्क नहीं पड़ता। बाय बाय ब्रो, नहीं कर पाया, बहुत मार दिया उसने 11, 12, जो भी है ऑफिशियली रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। 25 फिनिशर्स निकाला है बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स, तो टीम एक्सपर्ट ने तोड़ दिया 26 फिनिशर्स। वाओ, क्या एक खिलाड़ी का नहीं, वाओ ब्यूटीफुल स्टफ, ब्यूटीफुल स्टफ, मजा आ गया भाई। ऊपर से वो भी राउंड 2 में दिया, राउंड 1 में था 25 का, राउंड 2 में ब्रेक हुआ विद 26, ब्यूटीफुल। इट्स अ बैक टू बैक विनर बना चिकन है गाइस, पहला मैच 15, दूसरा मैच 26, क्या तीसरा मैच में 30 मारने वाला है क्या, देखते भाई क्या होगा। स्प्रे गॉड ने मारा है 10 सोलो फिनिशेस, गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब स्प्रे गॉड, मचा है ब्रो। चलो भाई बहुत पम्प्ड हूं मैं, अभी बढ़ते हैं अपना मैच 3 की तरफ। अरे बाप रे, टीम एक्सपर्ट सीधा स्लैम देख लूं पे, क्योंकि टीम एक्सपर्ट शैडो कुचल दिया, इस्तेमाल किया जाएगा डीओक्सी, उनको तो मौका ही नहीं दिया कि वहां पर वो कुछ कर पाए, और बूम बम कर रहा है भाई, बूम बम कर रहा है, देखते रह गए। स्प्रे गॉड 5 सोलो फिनिशेस वो नहीं कर पाए, और टीम एक्सपर्ट
देखिए अब तो ये तय हो चुका है कि रोक पाना इनको असंभव है। भाई स्प्रे गॉड तो रैम्पेज मोड में ब्रो, रैम्पेज मोड में। लास्ट मैच में 10 मारा भाई भी लाइक ना 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 10 से नहीं काम चलेगा, इस मैच में मारेंगे 20। मजाक कर रहा हूं भाई, 20 बहुत ज्यादा होता है। आई वुड लव टू सी समवन ब्रेक दैट 13 सोलो फिनिशेस रिकॉर्ड भाई लूनेटिक का वो वाइपर, बिकॉज नंबर्स का डिसएडवांटेज आएगा। एंड वहीं पे अगर आप स्प्रे गॉड की बात करोगे, वाओ नाइस नेड पे शैडो सीधा जाके फटेगा एनिमी। PMWIGL क्या कर रहा है भाई, इंडिया में क्या कर रहा है PMWIGL? के साथ आगे जरूर बढ़ रहे हैं बट इस बार गलत जगह पे खेल रहे हो। देखिए पता नहीं क्यों मेरा बोलने का मन हो रहा है। 15 फिनिशेस पर टीम एक्स पार्क भाई, चल क्या रहा है, नॉक हो जाएगा जिस तरीके से टीम एक्स पार्क खिलाड़ी खेल रहे हैं। पर सबके बीच प्रे गॉड भाई, उन्होंने कहा भाई आई नो तुम्हें किल चाहिए भाई, टीममेट को मारने से किल नहीं मिलता ब्रो। सामने वाले का खेलेगा कैसे, अरे नाइस वन ब्रो, नाइस वन। पर लायबिलिटी उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक करा है जरफ, वो भी स्प्रे गॉड के द्वारा नॉक किए गए। प्लस जरफ को खुद के लिए फिनिशेस ज्यादा चाहिए थे इसलिए उन्होंने अपने ही खिलाड़ी को नॉक किया। वो रिवाइव किए जाएंगे और स्प्रे गॉड के पास मौका रहेगा कि ज्यादा वो फिनिशेस निकाल पाए। पर सारंग वो भी आगे बढ़े, एक और खिलाड़ी डाउन हो चुका है। अरे बाप रे, फिनिश जाते जाते वो एक खिलाड़ी को जाते जाते एक को लेके गया, बट एक बार स्प्रे गॉड का फिनिशेस देखो गाइस, 17 फिनिशेस वापस मार दिया, 9 फिनिशेस इसने। लास्ट मैच में 10, इस मैच में 9। सारंग का एलिमिनेशन आया जरूरी है। हां वो चाहते जरूर भाई, भाई एकदम लेवल लेवल सेट कर रहा है ये बंदा, लेवल एक खिलाड़ी गया जरूर उनका, बता रहा हूं असॉल्टिंग का लेवल सेट कर रहा है ये बंदा। 17 फिनिशेस फॉर टीम एक्स पार्क जरूरी है, दूसरा भी खिलाड़ी वहां पे नॉक हो जाने वाला है। रिवाइवल की प्रक्रिया भाई वापस मारने वाले हैं क्या, 27 फिनिशेस इस बार यहां पे बनता हुआ भाई, मजा आएगा। चल लेट्स गो, लिख के 10 के ऊपर मारेगा। अरे यार ऐसा मत करो, यार ऐसा मत करो भाई, शैडो को ऊपर पुश करने वाले वीबीसी वाले करने की कोशिश। पर मुझे लगता है कि भाई मैं चाहता हूं कि अच्छा हो टीम एक्स पर, अब नहीं अब नहीं। नॉक किया है, बचे दो खिलाड़ी, शैडो रैप होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। टीम एक्स पार्क ने खेले वो एक साथ एकजुट स्प्रे गॉड आ रहा है, इसीलिए टीम निंजा भाई दे दो टॉर्चर इनको करते हुए नजर आएगी। और यहां से शायद टीम एक्स पार्क की दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाए और 17 फिनिशेस पर ही उन्हें इस मुकाबले की समापन करना पड़ेगा। जोन आ रहा है पीछे से, उनको फाइट लेना ही पड़ेगा बीबीसी वाले को। मैदान में मौजूद हैं भाई निंजा विद द टीपीपी इज डेंजरस ब्रो, बोला मैंने खत्म अच्छा पेटी है। वो यहां पर समाप्त हुए नहीं लीडर, वो जरूर नॉक किए जाएंगे। शैडो हालांकि उनका समापन आएगा, रेव नहीं हो पाया शैडो। और अब प्रीत वर्सेस निंजा जॉर्ज की एक अलग बैटल है, खत्म, मुश्किल है बीबीसी बचना, दे दिया और एक को और निंजा जॉर्ज वो तो मिस नहीं, आखिरी बंदा है लूसी, वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। अपने आप को हील करेंगे, जोन के अंदर जाने का एक अच्छा पोजीशनिंग ही होने चाहिए बट स्प्रे। अरे बाप रे सैवेज बे स्प्रे गॉड अपने नाम पे, जोन के बाहर बन चुका है, एचपी देखो, जोन के बाहर जाके मार के आए 11 फिनिशेस पर स्प्रे गॉड। आप देखिए स्प्रे गॉड ना मान रहा गाइस, स्प्रे गॉड ना मान रहा है, अकेले खिलाड़ी पूरे ये मैच में ये मार के ही जाएगा सबको। 11 हो गया, 21 हो गया टीम एक्स पार्क के, क्या एक अच्छा पोजीशन मिलता है। बिकॉज़ अब देखिए आई डोंट नो व्हाट टू से, काफी अच्छे नंबर्स, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट स्प्रे गॉड टू गेट 15 फिनिशेस इस मैच में, 15 पॉसिबल है ना। लो और एक मिल गया, 12 फिनिशेस फॉर स्प्रे गॉड। वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं है, 12 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुका है। पैंथर उनको भी देख नहीं रुकने वाला है स्प्रे गॉड, ईएनएफ वो सोच रहे होंगे कि चलो कम से कम 5 वो प्लेसमेंट पॉइंट, वेयर टू विटनेस हिस्ट्री गाइस, निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट तो आप लेकर जा सकते हैं आप ठिकाने पे उस ग्रेनेड। अरे भाई पैंथर भाई और 1 मिलीसेकंड के लिए कर लेते पीक, पैंथर के लिए पर्याप्त होगा, जाने वाले ग्रेनेड भी शायद थोड़ा शॉर्ट रह जाने वाला, और ये थोड़ा सा रह गया कर दिया रॉक, नहीं पड़ता क्या बात है गॉड। उन्होंने पैंथर को एक बार फिर से देखा, वापस नॉक किए गए और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा है भाई, अब देख के खेलने का ब्रो स्प्रे गॉड, देख के खेलने का। 13 ऑलरेडी हो गया, उसका फिनिश भी मिल जाएगा तुम्हें, तो बढ़िया खेल सकते थे अभी। और एक नहीं है कि उनके और एक फ्रैग चाहिए, एक फ्रैग गंदी ही सारे फिनिशेस 13 लुनेटिक का वाइपर ने किया था, निकाल पाए अभी और एक फ्रैग चाहिए अपने कर पाए उनके लिए, उतना ये फ्रैग तो मिल ही जाएगा। 22 टोटल फिनिशेस स्प्रे गॉड, वो अभी भी चाहते हैं कि उनको 23 मिल गया, क्या बात है ब्रो, ऑफिशियली इट्स अ टाई With the record, 13 finishes का। के पास बट निंजा जॉर्ड, वो जानते हैं मौके कैसे छीने जाते हैं, एंड वही चीज वो करके दिखाते हुए नॉक किया, फिनिश किया उस खिलाड़ी को, एंड दूसरी तरफ स्प्रे गॉड पागल हो गया भाई, संभाल रहे क्या वो जानते हैं कि जो ENF देख के ब्रो, देख के देख के आराम से आराम से इंतजार कर रहे हैं, स्प्रे गॉड जाएंगे जरूर कर दिए जाएंगे। मुझे पता था लास्ट में यही होता है भाई, और एक फ्रैग चाहिए था भाई, और एक फ्रैग। पर आप देखिए कि खाली रुद्र वो अकेले हैं, हाँ। के अंदर मौजूद हैं, एसएएस वो भी शेड बे, और एक फ्रैग चाहिए था, और एक नहीं है
हालांकि स्मोक करके अगले पेड़ पर जाया जा सकता है और वो पेड़ सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं कवर का, और साथ ही साथ जितने भी स्मोक थे उसका एकदम से जान निकल गया मेरा अंदर से। ENF वो भी खुश होंगे कि इस मैच में अब चिकन में मुश्किल लग रहा है मुझे, पांच फोर्स अभी भी निंजा जॉट के पास चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं सर, बिकॉज़ ऑफ स्प्रे गॉड अभी निंजा का भी कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ होगा डेफिनेटली। अरे अब तो मैं अकेला हूँ, देख के खेलना पड़ेगा। रुद्रा जॉर्ड भाई रुद्र के द्वारा बहुत प्यारा मारा ब्रो, वन वन में स्पॉट कर पाएंगे ना ऊपर से वो खिलाड़ी। चलिए निंजा जॉर्ड को खुद स्पॉट किए गए, मरते बचाने निंजा जॉर्ड नाकामयाबी मारते के हाथ लगे, पर निंजा जॉर्ड मुझे नहीं लगता कि अब वो खिलाड़ी रुकेगा और ना ही वो अपने आप को हील करेगा। वो तो बस इंतजार कर रही है आखिरी फ्रैग निकालने का। यहाँ पे दोनों भी खिलाड़ी पत्थर के नजदीक। अरे रे रे, बदला ले लिया निंजा जॉर्ड, बदला तो पूरा लिया उसने। एक और फिनिश लेने का, वन वी टू सिचुएशन फॉर निंजा जॉर्ड। वन वर्सेस टू का ये सिचुएशन एसएस की कर लेगा निंजा, कर लेगा। आगे आते हैं तो यहाँ से कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे। बस इसको एक एंट्री चाहिए, जो ज्यादा अच्छा आता हुआ इसको एक एंट्री चाहिए, अच्छा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। वन वर्सेस टू यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो इतना ज्यादा खास नहीं रहेगी, बट अगर सामने वो यूटिलिटीज हो सकती है। निंजा जॉर्ड बचने का पूरा प्रयास वहाँ से, एंड अभी भी वो बच सकते हैं मेजी। पर ये स्टंट का इस्तेमाल आपने बहुत बढ़िया किया, पर आप आगे आए नहीं। आप सोचे कि अभी भी वो स्टंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और स्टंट का उन्होंने इस्तेमाल किया था। पर निंजा जॉर्ड अपने हल्के के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों तरफ से निंजा जॉर्ड को घेर लिया गया। निंजा जॉर्ड राइट वाला बंदा कितना कंपोजर मेंटेन कर रहा है, देखो वो पुश नहीं कर रहा है, गलती नहीं कर रहा है। वो एसएस के खिलाड़ी, एसएस के खिलाड़ी वो आगे आने को तैयार नहीं है, उनको भी पता है कि वो सामने वाले भी बहुत दिमाग लगा रहे हैं। एक ही तो बंदा है, उन्हें अंदाजा है, उन्हें पता है, एक ही तो बंदा है। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक खिलाड़ी है रोर जो सर्कल के अंदर मौजूद है और उनको जोन के बाहर हील बैटल कर रहा है। नाउ ही इज जस्ट वेटिंग फॉर निंजा टू लीव द कवर। जहां आपके पास दो मैन का अलग लेवल की दिमाग, आपने खुद अपना एक खिलाड़ी जोन के बाहर डाल दिया। चलिए वो खिलाड़ी अंदर आया है सर्कल के पास, स्टोल के साथ निंजा जॉर्ड एक बार फिर से तैयार है। अभी तक उस खिलाड़ी को उन्होंने नॉक नहीं किया भाई है। भाई साहब एक्सप्लोजर वो तैयार, भाई साहब एक डीपीएस का फटका निंजा जॉर्ड। इससे इस वाले क्या ही दिमाग वाला खेल खेले हुए। मुझे लगा, मुझे ही नहीं निंजा जॉर्ड को भी यही लगा कि भाई सामने वाले गलती करेंगे उसका फायदा उठाएंगे, बट शूट एट साइट बिल्कुल नहीं किया, बहुत सही खेले। And with that, congrats, winner, winner, chicken dinner. But bro, Team Xpark, तीन मैच में जो कर दिया भाई, I don't think any team so far किया है lobbies में। पहला मैच 15 finishes, second match 26, third match 24. A huge round of applause for Team Xpark for setting such huge records. Crazy. चलो भाई, it's not over yet. अभी भी और तीन matches बचा है, बढ़ते अपना match 4 की तरफ। And I feel like आज WSB का record break होने वाला है। हमें भी वो खेलने आता है, हम भी आपको रोक सकते सारंग, और वो कैन सारंग सेव द डे। और यहाँ से अपनी टीम को आगे तक लेकर वो भी खाया लड्डू, नॉक किए गए। मुश्किल है अब तो, बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, काफी मोमेंटम मिलेगा क्योंकि अगर वो टीम एक्सपर्ट जैसी टीम पेटे डालेंगे। डाउन है, एक प्लेयर को खत्म किया गया, तो और आखिरी खिलाड़ी एक नाइस वन निंजा। क्लोज मुकाबला अभी भी है, आप निंजा जॉर्ड को कम तो नहीं आंक सकते। इस प्लेयर ने पास में भी बहुत करिश्मे दिखाए हैं, 1v4 करना बहुत अच्छे से आता है। ग्रेनेड वे निंजा क्लच कर दिया ना ब्रो, मैड एकदम मैड हो जाएगा सीन एकदम। अरे यार कवर नहीं जोड़ना था, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके, हैपेंस। ये डॉक्सी और उज्जवल बहुत सही खेले, बहुत सही खेले। चलो लास्ट तीन मैचेस का अग्रेशन निकल गया इस मैच में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला दो मैचेस अभी भी बाकी है। अब वो 30 का आंकड़ा छू सकता है, टीम एक्सपर्क हैज एनफ पॉइंट्स नहीं है, अब बाकी सारी टीम को मौका मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होगा। जो फिनिशेस है बट ज्यादा वो रिच ई-स्पोर्ट्स के है, 9 फिनिशेस पे खत्म हो जाएंगे। अब केवल फोर मैन स्ट्रांग है रिच, जोन के बाहर है, जोन भी उनके पास। मैट्रिक्स सीधा पुश इन किया जोन के अंदर, पीछे यहां पे प्लेयर थे, स्पॉट वो कर नहीं पाए, एक-एक करके प्लेयर डाउन हुए। बट ईएनएफ के जो दो प्लेयर बच जाएंगे, दोनों बच जाएंगे, दो फिनिश निकालने की कोशिश करी, दो नॉक जरूर निकाले, बट वो तीसरा नॉक नहीं निकाल पाए। मैंने क्या बोला, क्लॉक का बोला था चिकन, अब मुश्किल लग रहा है क्लॉक का। अब रिच की स्क्वाड देखने को मिलती है, पर मुझे लगता है रिच का स्प्लिट देखो, 2-2 स्प्लिट खेल रही है। दो खिलाड़ियों को उन्होंने अलग थलग डाल दिया, आप देखिए एक खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन हो चुका है, बट एमवाईटी अच्छा खेल रहा है बे, निकाल लेंगे। अगर चार खिलाड़ी एक साथ चार्ज करते हैं रिच के, बाकी खिलाड़ियों को रिच वाला वो टीम है ना फेक प्रो वाईटी का, खिलाड़ियों को कवर फायर दे पाए। और इसी चीज में रिच के दो बंदे नॉक, नई टीम आती है वो चिकन डिनर लेकर जाती है, तो कट ऑफ शायद वो वहां पर बढ़ जाए और मिस्टीरियस उनका वो नाम रहेगा। अरे बाप रे, यू हाई नॉक खेलते हुए दिखाई देंगे, पर फेक प्रो वाईटी वो आगे बढ़े, एक ग्रेनेड पर वर्थलेस,
वो आगे गए। फेक प्रो वाइटीज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर रिच ईस्पोर्ट्स। आगे जाना चाहते हैं पर बहुत ज्यादा वो खिलाड़ी ओपन में देखने को मिलेगा। वो आखिरी खिलाड़ी रिच वाले के पास बहुत अच्छा स्प्लिट था बट एकदम से लग गए उनके क्लॉबी जाने वाला है। खत्म होती नजर आई अपनी जो पावर्स है आपके पास एडवांटेज है नंबर्स लास्ट मैन स्टैंडिंग है क्लॉ का बहुत बड़ा स्प्लिट लिया और दोनों तरफ अलग अलग टीम से लड़ते हुए गया क्लॉ गया। अब इट्स अ 4v3 सिचुएशन फॉर एमवाईटी ईस्पोर्ट्स। MIT वाले बहुत अच्छा फ्लो में खेल रहे ब्रो। टीम वर्क अच्छा है MIT का, निकाल लेंगे वही निकाल लेंगे चिकन। हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हो, नो डाउट निकालेंगे वही। फाइनली एक मिस्ट्री उन्होंने समथिंग अमेजिंग इन दिस वन एंड फाइनली ड्रैगन के द्वारा स्पॉट किया गया ओपन चेस नॉक फिनिश इसी के साथ मिस्टीरियस के बाद। नाउ इट्स अ 4v2 सिचुएशन शायद वो 9 फिनिशर्स रेनॉल्ड एंड जोई खाते में चला जाए कुछ कर पाएंगे। मात्र केवल दो खिलाड़ी जोई तैयार हैं, उनके पीछे से जोन भी आ रहा है। तैयार रहेंगे एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया जोई के बहुत ज्यादा जोई का लोकेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। उस खिलाड़ी को डैमेज देकर जाएगा चेज, वो बस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि रिवाइव आप हो नहीं सकते और सबसे बड़ी दिक्कत है सर्कल की। सर्कल MIT बिल्कुल अग्रेस नहीं कर रहा है और आगे आने की जरूरत दिनों द जोन इज गोना डू द पुश पीछे से ताकि ये लोग कवर छोड़ के आए ओपन में तब आराम से ले लेंगे चिकन। वो समाप्त हुए या फिर नहीं वो भी देखने वाली बात है। रेनॉल्ड उनके पास अरे थोड़ा ओवर कुक था ब्रो, बहुत ज्यादा उस ग्रेनेड को वो कुक कर खत्म। रेनॉल्ड इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ब्रो और अब रेनॉल्ड वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से गया एंड विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन इन फॉर MYT ईस्पोर्ट्स। अब सिर्फ दो मैचेस बचा है, कैन टीम एक्सपार्क ब्रेक WSB's रिकॉर्ड? यही सवाल। चलो बढ़ते अपना मैच 5 की तरफ। शैडो नॉक हुआ, उन्हें डाउन कर लिया जाए। नाइस रॉक सारंग, एक और नेड कमाल कर दिया। जॉर्ड भी नॉक करे भाई, सारंग भी नॉक। ट्रेड आता हुआ, मैटर हो गया, हेवी मैटर हो गया। स्प्रे वर्ड इज लास्ट मैन स्टैंडिंग के ऊपर एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी सारंग कॉम्बिनेशन हाथ में वो नेड लेने का प्रयास कर रहे थे बट स्प्रे गॉड टाइमिंग उनका साथ नहीं देती। 5 फिनिशेस #14 टीम एक्सपर्ट के साथ उनका सफर खत्म होता हुआ इस मुकाबले में। भागने का कोशिश करेगा पीछे रोड क्लोज करना पड़ेगा फ्रैगी को भी। हील करने जा रहे थे वो अपने आप को बट जी ने नहीं। टाइम नहीं था और दिया स्मोक में क्या जोन के अंदर क्या बात है कैटलिस्ट क्या बात एलिमिनेशन आता हुआ 7 फिनिशेस फॉर सैस। ये मैच तो निकालने वाला है क्लॉ भाई, क्लॉ निकालेगा ये मैच। चर्चा कर रहे थे हम इनकी एंड वो टॉप 5 तक अपने टीम क्लॉ वाले लास्ट तक आ रहे बट लास्ट में थोड़ा इधर-उधर हो रहा है उनके साथ। ये मैच में निकाल लेंगे रुद्रा जॉर्ड एक नेड के साथ अपने टीम को। ये हमेशा बचता है क्या सोलो लास्ट में इस टीम से? अभी भी इंतजार कर रहे हैं वो बस रुके हुए। लास्ट टाइम अगर भी यही बंदा मारा था ना स्प्रे वर्ड को जानते हैं कि एक गलती भारी पड़ जाएगी और वहां पे स्पॉट का लोकेशन स्पॉटेड है। इसने शॉट लिया एंड रुद्र जॉर्ड ज्यादा नजर लग गया उसके ऊपर। सफर यहीं पे समाप्त। OHV अरे भाई रिफ्लेक्स मारने का कोशिश किया कबीर ने, दोनों एक स्प्रे में नॉक भाई खत्म। क्लॉ पुश करेगा पूरा चक्कर राउंड मारा उनके उनके बीच में फिर उनके उनके सामने ही गाड़ी रोक के फ्रंट शॉट लिया भाई ने। डेंजर भाई डेंजर। 7 टोटल फिनिशेस इसके पास। कैटलिस्ट ने एक नॉक किया OHV का, आखिरी बंदा है OHV का। लुक्स लाइक एन इजी चिकन इनफ फॉर क्लॉ फिनिशेस निकाल सके उसके साथ बट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर गाइस। कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा, 8वां फिनिश अपने नाम पे करती हुई ऐसे 1v1v2 सिचुएशन ना नहीं चाहते। आखिरी बचे हुए एक खिलाड़ी जोन में सिर्फ कैटलिस्ट है, सफर तय कर लिया बाकी सब जोन के बाहर। मिले बट साथ में जो पोजीशनिंग के पॉइंट है वो भी काफी अच्छे मिलेंगे। रावण नूब लुक्स लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ये हील बैटल करेगा। कोई प्लेयर यहां पे जोन के अंदर नहीं है। 3 फर्स्ट एड इसके पास। दूसरे खिलाड़ी के फुट रावण नूब इज गोइंग फॉर द हील बैटल। बड़ी दिक्कत हो रही है उनके लिए। अब देख स्मोक्स का इस्तेमाल कर लिया जा चुका है। आ गया भाई बंदे आ गए। ये पीछे से खराब कर सकता है क्लॉक का मैच। बैटल के लिए वो ऑलरेडी आगे पहुंच चुके बट 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन रहेगा। गन स्विच किया एक खिलाड़ी क्लोज मैच। अरे रे 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 एक इंस्टेंट कैटलिस्ट SAS का भी सपना था कि कुछ करके दिखा पाए बट 1 हाइप क्या कुछ कमाल करेंगे। एक एचपी करके आ जाते हैं विद दैट लाइक आई सेड इट्स अ विनर विनर चिकन इनफ फॉर क्लॉ ईस्पोर्ट्स। गुड जॉब गाइस।
निकाला और तीन अंडरडॉग्स ने निकाला। ब्रो बैलेंस सही करने के लिए सिक्स्थ मैच टीम एक्सपार्क को निकालना पड़ेगा। Let's see what happens in our match 6 now. Deadly performance भी था liability की तरफ से। इसका एक छोटा सा replay आपके screen के ऊपर। अरे बाप रे। इस तरीके से वो। अरे बाप रे। मैं बात कर रही हूँ। ये हुआ था क्या? 1v3 कर डाला। वहाँ पे अपने नाम पे किया था। Crazy। और team expert का 2-man है। सात finishes इनके पास। इस मैच में Mogambo क्यों खेल रहा है? इनका बढ़िया इस्तेमाल किया। अरे फक। वो अमन थे। लग गए Mogambo। इस्तेमाल किया Mogambo वहाँ पर knock किए गए। भाई चार बंदों के बीच में घुस गया Mogambo। उन्होंने ज्यादा सही समझा। पानी के अंदर आ तो चुके हैं पर अब सर्वाइवल पे सवाल है कि वो कब तक वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। भाई स्प्रे गॉड गया, कैटलिस्ट ने मार दिया स्प्रे गॉड को। समाप्त किए गए एक हैशटैग 10 9 फिनिशर्स पर इतने से शायद काम ना। हैशटैग 10 9 फिनिशर्स प्ले जोन के चलते एक एक खिलाड़ी आप हां कुड हैव गॉन बेटर। देखते हैं भाई, आई डोंट थिंक WSB का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है फॉर सम रीजन। एक साथ खेलते हुए देखने को मिलेंगे। लाइबिलिटी ने वहां पे एक और दिस सर्कल रिमाइंड्स मी ऑफ कर रहे हो कि एक कनेक्शन बस यहां पे मिल जाए बट ये बहुत जोनाथन सोलो 10 फिनिशेस का मैच किए जा सकते थे। सेम सर्किल था उसमें भी बाल-बाल बचे जिसमें जोन ने 10 फिनिशेस निकाला एंड गॉट लाइक अ विनर चिकन के लिए आगे बढ़ेंगे। वो देखिए आपको प्रयास कर रहे हैं बचने के लिए एंड एक दूसरे को एक दूसरे की पोजीशन पता है बट कैटलिस्ट जैसे ही वो आ गया है प्ले जोन ने उनका शिकार कर लिया। इसी के साथ टॉप की जो चार टीम है आपको दौड़ा रहा है फ्यूरी को उनका भी एलिमिनेशन आता हुआ। क्लू के लाइफ इट्स अ प्रॉपर 4v3 सिचुएशन नाउ। लुका लायबिलिटी हैशटैग 3 आया। गुड जॉब ब्रो। भाई जीएलडी के निकिल के पास डेंजर गन है। अरे भाई आर्यन नॉक। नाउ इट्स टाइम फॉर जीएलडी टू पुश। कर रहे पुश कर रहे वो भी जाएंगे। एलेक्स उनके पास ज्यादा गोलियां थी नहीं, उन्हें थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है क्योंकि एलेक्स नॉक खाएगा। नॉक खा गया ब्रो। यही मिस्टेक एक्सपेक्ट कर रहे थे जीएलडी वाले। पहले एलेक्स को वहां पे नॉक किया गया और अब मात्र बचते हैं दो। निखिल ने फिनिश कर दिया एक को और एक को नॉक किया निखिल ने। उन्हें भी नॉक कर दिया गया। 2v2 वो भी समाप्त कर दिए गए। आईसी 2v2 भाई डेंजर करने निखिल के पास था। एक बड़ी गलती हुई। एक को बचाने सुख नूप को हील करना चाहिए पर गवा दिए गए और अब कर दिया हील कर दिया। एलेक्स को भी रेव दे रहा है भाई। वो भी तैयार है पर एलेक्स भी रेव हो रहा है। दैट्स नॉट गुड फॉर आईसी। That is not good for IC. सुकनूब अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं भाई। IC क्यों इतना पैसे खेल रहा है? बट एक खिलाड़ी वो आगे से आते हुए ये नेड अगर कनेक्शन निकालता है तो सिचुएशन को भाई साहब वो निकालेगा। नाइस वन। पुश करो। खिलाड़ी को नॉक किया वहां पे। आगे बढ़ते हुए सुकनूब कोशिश कर रहे हैं दूसरे खिलाड़ी। नाइस वन रे सुकनूब। नाइस वन। दूसरा नॉक भी यहां पे बचा लिया भाई। बचा लिया टीम का पूरा इज्जत। अभी प्रयास कर रहे हैं वो आगे जाए बट वो मॉली और भी ज्यादा दिक्कत देने वाली है। फिलहाल के लिए एक और नेड उनके हाथ से आपको देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुली प्लेड सो फार। क्या ये पूरा लेट्स फ्रीकिंग गो बे। एक सेकंड में उनको दग दग हो रहा था आईसी हगेगा बोल के। टुक नूब ये टेबल टर्न कर दिया उधर विद दैट 1v2। गुड जॉब गाइस। गुड जॉब। गॉड लाइक जीत गया ये मैच। आई मीन आईसी जीत गया। एंड विद दैट आज के सारे मैचेस खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर द ओवरऑल स्टैंडिंग्स। भाई 113 टारगेट 113 है। देखते क्या होगा। वाओ अरे बाप रे 6 पॉइंट से रह गया अबे टीम एक्सपर्क का। बट स्टिल WSB ऑन टॉप। 113 पॉइंट्स है WSB का। टीम एक्सपर्क का है 107 पॉइंट्स। बट फ्रैग्स देखो बे WSB से ज्यादा है फ्रैग्स टीम एक्सपर्क के। 81 फ्रैग्स सो फार द मोस्ट फ्रैग्स भाई टीम एक्सपर्क होल्ड करता है वो। एट हैशटैग 2 वी हैव क्लॉ इनफाइनाइट कैटलिस्ट शूट एट साइट मैट्रिक्स नियोनेक्स ईस्पोर्ट्स एंड क्लू ईस्पोर्ट्स। टॉप 7 टीम्स के लिए कंग्रेट्स ऑन क्वालिफाइंग फॉर राउंड 3 एंड बाकी टीम्स के लिए हार्ड लक बॉयज। दिस इज वेयर योर जर्नी एंड्स। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट व्हाट अ डे गाइस। व्हाट अ डे। क्या ही मजा आया मुझे आज मैचेस देखते हुए। अगर तुम लोग को भी मजा आया तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना मत। बाय द टाइम यू गाइस आर वॉचिंग दिस वीडियो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं तिरुपति जा रहा हूँ फैमिली के साथ। विद दैट बीइंग सेड मिलता आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पैंडल एंड पीस। एंड अभी तक वीडियो देख रहा है तो एक ग्लास पानी पीना।